समस्तीपुर पुलिस ने एक जालसाज प्रेमी के अजब प्रेम कहानी का खुलासा किया। पटना कुर्जी निवासी इंद्रदेव चौधरी ने 2015 में समस्तीपुर के उजियारपुर थाना के पतेली गांव के रहने वाले अभिमन्यु उर्फ मोनू से अपनी बेटी चांदनी की शादी धूमधाम के साथ कराई। शादी के बाद चांदनी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म होते ही मोनू ने पत्नी को छोड़ दिया। उसकी प्राथमिकी चांदनी ने पटना महिला थाने में दर्ज कराई थी। इधर चांदनी को छोड़ने के बाद मोनू ने बर्धमान की रहने वाली निकहत परवीन, जो पटना में रहकर मेडिकल की तैयारी करती थी, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली और उसे लेकर समस्तीपुर पूसा थाना के हरपुर गांव में अपने जीजा के पास पहुंच गया। वहीं मोनू ने 29 अक्टूबर 2017 को जबरन घर में लूटपाट और निकहत के अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। उस मामले में मोनू ने निकहत के परिवार वालों के साथ साथ चांदनी और उसके परिवार के लोगों के साथ कुल 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया। थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने से नाराज मोनू 16 नवंबर को सरकारी बस स्टैंड में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गया। जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को पकड़ना शुरू कर दिया। तो इतने बड़े जालसाज और पुलिस को गुमराह करने वाले का खुलासा हुआ। हम अपना बच्ची की शादी की है। शादी करने के बाद में हमारे उनका एक लड़की पैदा हुआ। लड़की पैदा होने के बाद में उसका मैंने उसी समय उसका मार उड़ के मैंने हटा दिया कि लड़की पैदा हुआ है। लड़की थोड़ा घिना लोग मार मांग रहे थे मुझे। उसके बाद में दमाद का हम मैंने जो दूसरे शादी कर लिया वो और हमारे बेटी का मैंने फंसा दिया। यानी कि फंसाने के बाद में हम लोग वही अन्याय मांगने आए हैं समस्तीपुर में एसपी सर से। क्या नाम हुआ आपका? हमारे नाम इंद्रदेव चौधरी है। 8 तारीख को हुआ शादी। मन्नू चौधरी से हुआ शादी। फिर क्या हुआ? आप पतेली में शादी हुआ। मैं पटना का रहने वाली हूँ। तो आपको किस मामले में फंसा दिया? दूसरा मार पीट के भगा दिया था और दूसरा शादी कर लिया है और नहीं रख रहा है।
तो फिर आपको किस मामले में केस कर दिया आपके ऊपर? इसलिए बोल रहा है क्या कि हम उसकी पत्नी नहीं हूँ, उसकी पत्नी नहीं हूँ मैं, और इसीलिए ना वो नहीं रखना चाह रहा है, मार के भगा दिया है। तो दूसरी शादी कर लिया? हाँ, दूसरी शादी कर लिया। तो यहाँ आप किस लिए आए हैं समस्तीपुर? हम इसलिए आए हैं उससे कि मांगने के लिए, हम उसकी पत्नी है, वो नहीं चाह रहा कि हम रखे उसे। आप रहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? हम रहना चाहते हैं मगर वो नहीं रखना चाहते। क्या नाम है आपका? मेरा चांदनी। पुलिस और मासूम मेडिकल की छात्रा के जीवन से खिलवाड़ करने वाला मोनू के साथ पुलिस अब क्या करती है, देखना है। डी न्यूज के लिए सुमन की रिपोर्ट। महिला है जिनके ऊपर यहाँ पे FIR कराया गया है, मोनू कुमार नाम के व्यक्ति हैं, और पूसा थाने में यह कांड दर्ज किया गया है जिसमें इनके ऊपर अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। बाद में अनुसंधान में पता चला कि ये चांदनी देवी और जो भी दो तीन लोगों का नाम दिया गया है साथ में, वो इनकी पहली पत्नी है और वो ये इंद्रदेव चौधरी इनके पिता हैं और साथ में मुकेश कुमार इनके भाई हैं चांदनी देवी के। दीघा थाने में जाके पूरा इसमें मालूमात की गई है, हासिल किया गया सब जानकारी, और उसमें ये पता चला है कि ये पहली पत्नी है, इनकी एक बेटी भी है 1 साल की, जिसको छोड़ के या बिना किसी को बताए दूसरी शादी किए हैं, और उस संबंध में भी सबसे छुपाते हुए इस तथ्य को FIR दर्ज कराई गई पूसा थाने में इन लोगों के अपहरण पर। बेसिकली ये लोग अभियुक्त नहीं है, ये बल्कि पीड़ित हैं और हम इनको पीड़ित मान के चल रहे हैं। इस संबंध में महिला थाना पटना में कांड भी दर्ज कराया गया है और पुलिस इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ इनके साथ न्याय करने के लिए कटिबद्ध है, और जल्दी इस मामले में पूरी तरह हम लोग न्यायपूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस मामले में जो मोनू ने पहले जो अपनी जो पत्नी है उसको अपहरण करने का जो मामला दर्ज कराया गया था, उस अपहरण के मामले में अनुसंधान चल रहा है, हमारी टीम उस मामले में भी गई थी, उस मामले में भी असर्टन करना है बाकी सभी तथ्यों को कि इसमें जो भी अपहरण की बात बताई जा रही है, जो भी इनकी पत्नी की बात बता रही, पहली बात उसमें जो तथ्य को छुपाया गया है पहली पत्नी की शादी के द्वारा, उसको असर्टन करना है कि सेकेंड पत्नी की उम्र क्या है, और जो भी केस वहाँ पश्चिम बंगाल में कराया गया है उसकी मेडिकल रिपोर्ट और 164 के बयान में क्या कहा जा रहा है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जा सकता है यहाँ पे। तो सर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया कि इस मामले में जो भी यहाँ समस्तीपुर में मैरिज रजिस्ट्रार ने जो भी बनाया, कैसे बना दिया, वो तथ्य भी हमारे सामने आया है, उस पर भी हम जांच करेंगे कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी से शादी करने का अपहरण की बात बताई जा रही है, शादी कैसे हुई, क्यों पुलिस इस तथ्य को छुपाया गया शादी की बात को, और क्यों इस अत्याचार के मामले में जो है किसी भी तथ्य को हमारे सामने नहीं आने दिया गया और पुलिस को इस तथ्य को पूरा उजागर करना पड़ा। इस मामले में हम पीड़िता से भी पूछताछ किए हैं यहाँ महिला थाना में, और मामले को सत्य पाया गया है और इस मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा।